इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। अब नासा इसका अस्थायी हल खोजने के लिए P&G के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को अंतरिक्ष के गूढ़ विषयों को खोजने की सीमाएं बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस बार फिर नासा ने ऐसा ही काम किया है। अंतरिक्ष में खोज के लिए जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के रहन सहन को आरामदायक बनाने के लिए नासा अब अंतरिक्ष में डिटर्जेंट भी भेजेगा। अंतरिक्ष में जिंदगी बहुत मुश्किल है। वहाँ के रहस्यों को जानने के लिए कई दिन महीनों तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बहुत अलग तरह से जिंदगी गुजारते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण उनके खाने सोने से लेकर हर काम करने का तरीका और चीज़ें बहुत अलग होती हैं। इन्हीं में से एक है लॉन्ड्री। चूँकि कपड़े धोने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और स्पेस स्टेशन पर यह बहुत सीमित मात्रा में होता है, ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को इस मामले में बहुत मुश्किल होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लॉन्ड्री की सुविधा न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री उपयोग किए गए कपड़ों को वहीं फेंक देते हैं। इसके चलते नासा हर साल स्टेशन पर हर क्रू मेंबर के लिए 72 किलोग्राम कपड़े भेजता है। ऐसे में स्पेस स्टेशन पर कपड़े धोने के इंतजाम का अस्थायी हल खोजना बहुत जरूरी है। स्पेस में कपड़े धोने के लिए नासा ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके तहत कंपनी खास तरह से डिजाइन किए गए डिटर्जेंट का उपयोग करके कई एक्सपेरिमेंट्स करेगी ताकि स्पेस में लॉन्ड्री के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा सके। नासा टाइड के पायलट टेस्ट में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इसके बाद आखिरी परीक्षण स्पेस स्टेशन पर होगा। परीक्षण करने के लिए अधिकांश उपकरण ISS पर पहले से ही उपलब्ध है, वही बाकी सामान P&G भेजेगा। तो गाइस, अंतरिक्ष के बारे में आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।